हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा एक प्रोडक्ट लाई हूँ जो कि है मामा अर्थ का। और ये तीनों प्रोडक्ट का आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू उसका शेयर करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बोल दूँ कि आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कर दे गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हो, और विंटर धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। और विंटर में क्या होती है, ड्राई स्किन वालों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ड्राई स्किन वालों के चेहरे में स्किन पड़ जाती है, कोई सा भी क्रीम लगाओ तो बहुत ड्राई सी, सूखी सी लगती है, बेजान सी लगती है। ऐसा लगता है कि नहीं आप लोगों के साथ जिनकी भी ड्राई स्किन है, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ विंटर के लिए ही, एंड इसे विंटर में ही नहीं सिर्फ गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी भी ड्राई स्किन है। आप बहुत बेझिझक आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ज़्यादा प्रोडक्ट है। और जैसा कि आप जान रहे हो कि मामा अर्थ का प्रोडक्ट है, तो मामा अर्थ का प्रोडक्ट जितना भी रहता है बहुत ही ज़्यादा सुपर रहता है। मतलब आप आँख बंद करके कोई सा भी मामा अर्थ का प्रोडक्ट लगा लो, मतलब सबसे बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और नेचुरल है, और मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ मामा अर्थ के उपटन नरिशिंग कोल्ड क्रीम के बारे में। तो गाइस, ये जो कोल्ड क्रीम है मैं पहली बार यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इससे अभी तक यूज़ नहीं की हूँ मामा अर्थ का। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैंने इसे लिया है तब से मैं सिर्फ मतलब मॉइस्चराइजर तक मैंने छोड़ा हुआ है, सिर्फ मैंने इसको ही लगा रही हूँ। इसको लगाने से आपको नरिशमेंट आपके चेहरे में हो जाती है, सॉफ्ट आपके चेहरे को देती है, और आप ग्लोई सा स्किन करने लगता है। और आप जो से होता है ना कि आप मॉइस्चराइजर भी लगाते हो तो कुछ देर के बाद सूखा सा लगने लगता है, अगर ज़्यादा विंटर ज़्यादा ठंडी हो तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करता, आपको बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट सा स्किन देता है। एंड इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी से इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाई हुई है, जो आपके चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। जैसा कि आप जो चीज़ आप जानते हो, मैं आप लोगों को वही चीज़ पहले बता दूँ कि ग्लिसरीन है इसमें सैफ्रन ऑयल है, ऑर्गेनिक टर्मरिक ऑयल है, फिर से आपको विटामिन ई दे रहा है, आलमंड्स ऑयल दे रहा है, बहुत ही कुछ इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो आपके चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर है। देन गाइस, आपको डायरेक्शन फॉर यूज़ आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे लगानी है, तो वो तो आप लोगों को भी मालूम है कि कैसे लगानी है। आप इसे रात में लगाओ, दिन में लगाओ, कभी भी लगाओ। तो मैं आप लोगों को एक ऑनेस्टली एक बात बताऊँ तो मैं इसे रात में भी यूज़ करके सोती हूँ एक नाइट क्रीम की तरह, बिकॉज रात में भी क्या होता है ना कि आप कोई सा भी नाइट क्रीम या कुछ भी लगाओ ना तो चेहरे थोड़ी सी रुखी हो जाती है पूरी लंबी टाइम तक। अगर ग्लिसरीन लगाते हो तो ठीक है, हनी लगाते हो तो ठीक है, बट वो सब नहीं लगानी है, एकदम चिपचिपा सा वो सब करती है। तो आप इसे लगा लो गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें आप देख सकते हो विद टर्मरिक एंड सैफ्रन मिलाया हुआ है फॉर ग्लोइंग मॉइस्चराइजर, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। देन हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी चीज़ दिखा दूँ कि डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड लाइट एंड नन ग्रेसी है, फिर सूट ऑल स्किन टाइप से, ऑयली स्किन भी वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि जब से मैंने इसे लिया है तब से मैंने इसको कितना इसमें मैंने ख़त्म कर दिया है। तो आप ये देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा मैंने इसमें ख़त्म कर दिया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोल देती हूँ कि अगर जिस दिन भी ये मेरा डब्बा ख़त्म होगा मैं फटाक से दूसरा मैं ऑर्डर कर लूँगी। और ज़्यादा इसकी प्राइस भी नहीं है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए 299 है कि 300 तक है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। अगर जिनकी भी ड्राई स्किन आप लोग ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा कोल्ड क्रीम है। देन मैं यहाँ पे मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क की बात करूँ तो बहुत सारे लोग फेस मास्क ये यूज़ भी करते होंगे, लगाते होंगे, और बहुत लोगों को मालूम भी होगा। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो मामा अर्थ का फेस मास्क जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका मैंने अभी तक 2-3 फाइल मैंने कम्प्लीट कर लिया, मतलब ख़त्म कर लिया है, और ये मेरा फोर्थ फाइल है, फोर्थ डब्बा है मेरा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने न्यूली मंगवाया है और इसे मैंने बस 2-3 दिन लगाया हुआ है। देन मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूँ कि इसमें भी विद टर्मरिक सैफ्रन एंड एप्रिकोट ऑयल है फॉर स्किन ब्राइटनिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एंड इसमें भी आपको पराबेन एंड सिलिकॉन फ्री मिल जाता है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, इट बायो एक्टिव है। एंड इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो 499 यानी 500, आप सोचो 500 है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो आप ये देख लीजिए, इसमें बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाई हुई हैं,
तो इसमें भी जो जो इंग्रेडिएंट्स मिलाई हुई है आपके चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे पहला चीज़, एक और चीज़ मैं आप लोग बता दूंगा इसकी, अगर आप लोग जैसे कि होता है ना कि आप कहीं जाते हो और लगता है कि हाँ मुझे फेशियल करवानी चाहिए बट फेशियल का भी टाइम नहीं मिल रहा है एंड आपको अर्जेंटली कहीं जानी है, तो आप सिर्फ इसे लगा लो। मतलब मैं आपको सच्ची बताती हूँ, इतना ज़्यादा आपका चेहरा ग्लोई सा एंड सॉफ्ट दिखने लगेगा ना, मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा आपका स्किन। जैसे गाइस बहुत ही ज़्यादा आपका चेहरा जो होता है ना क्लीन एंड सॉफ्ट बहुत ही खूबसूरत सा एकदम दिखने लगेगा, ब्राइट देगा, लाइट देगा एंड ग्लोई देगा। तो आप देख लो बहुत ही, एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका फेस मास्क। तो मैं आप लोगों को एक दिखा देती हूँ कि मैंने कितना ख़त्म किया है, ये देखिए। तो मैंने इसे 2-3 बार अभी तक यूज़ कर लिया है, सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी इसका शेयर कर देती हूँ। देन मैं यहाँ पे बात करती हूँ फेस क्रीम के बारे में, मामा अर्थ एंटी पॉल्यूशन फेस क्रीम। तो गाइज इसे भी मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ और पहली बार में ही मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, ट्रस्ट मी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैं इसी कारण मैं आप लोगों से शेयर भी कर रही हूँ। इसमें भी आप देखिए विथ टर्मरिक एंड पॉल स्टॉप है एंड फॉर पॉल्यूशन प्रोटेक्शन है, आपको पॉल्यूशन से बचाता है। और इससे क्या चाहिए आप लोगों को गाइज, एंड पराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, लाइट एंड नॉन ग्रेसी है, एंड ये देखिए कमेंट नॉन कमेंटजेनिक है। सो एंड इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें भी आपको बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जा रही है, बहुत ही सारी। सो आप ये देख लो, इसमें भी जो जो इंग्रेडिएंट्स मिलाई हुई है ये भी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके चेहरे के लिए। और इसकी जो डायरेक्शन है वो आप ये देख लो कि इसको कैसे कैसे आपको लगानी है। तो ये फेस क्रीम है, तो आप डेली, जैसे आप डेली में जो फेस क्रीम यूज़ करते हैं आप उसके जगह पे आप इसे यूज़ करके देखो एंड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी भी जो प्राइस है वो है, इसकी प्राइस सॉरी इसकी प्राइस गाइस मेंशन नहीं है बिकॉज इसमें इसे भी मैंने ऑनलाइन से मंगाया बट इसमें इसकी प्राइस नहीं दी हुई है। तो ये आपको 200 का आई थिंक के आसपास मिल जाए, मुझे ज़्यादा ध्यान पे नहीं है। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा फेस क्रीम, आप इसको डेली यूज़ कर सकते हो, डेली यूज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे टर्मरिक है और हाँ सनफ्लावर है, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। सो ये तीनों प्रोडक्ट जो है मामा अर्थ का मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी, आप लोग इस प्रोडक्ट को बाय करो एंड ज़रूर अप्लाई करो, यूज़ करो और आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आई होप कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ। तो चलिए गाइज इस वीडियो को मैं यही पिन करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, प्यार से वीडियो में, तब तक ले बाय गाइज। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट कीजिएगा जरूर कि कैसा लगा। सो अब चलिए आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, प्यार से वीडियो में, तब तक ले बाय।